प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हमेशा खबरों में रहते हैं। अभी मुकेश अंबानी दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। खबरों से दूर रहने वाले मुकेश अंबानी से जुड़ी कई खबरें सामने आती रहती है। कभी उनके आलिशान घर एंटीलिया की चर्चा होती है तो कभी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बातें होती है। यहाँ तक कि कोरोना संकट में भी रिलायंस जियो को मिली फंडिंग के बारे में भी खूब चर्चाएं हुई। लेकिन आज बात करते हैं मुकेश अंबानी की जिंदगी से जुड़ी एक खास घटना की, जब उनकी कार के लिए हेलीकॉप्टर से चाबी लाई गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक दिन मुकेश अंबानी अपने ऑफिस जाने के लिए आलिशान घर एंटीलिया की पार्किंग में पहुंचते हैं। वो अपनी पसंदीदा मर्सिडीज कार से ऑफिस जाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें और उनके स्टाफ को कार की चाबी नहीं मिलती है। एंटीलिया के सारे 27 फ्लोर पर चाबी खोजी जाती है और चाबी है कि मिलती ही नहीं। आखिरकार मुकेश अंबानी दूसरी कार से ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के जनरल मैनेजर मर्सिडीज के ऑफिस में कॉल करके सारी जानकारी शेयर करते हैं। इसके बाद जर्मनी से स्पेशल हेलीकॉप्टर से मर्सिडीज का एक स्टाफ चाबी लेकर एंटीलिया की छत पर उतरता है। वो मुकेश अंबानी के स्टाफ को डुप्लीकेट चाबी देता है और वापस जर्मनी लौट जाता है। जी हाँ, यह है मुकेश अंबानी का रुतबा। मुकेश अंबानी की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि वो हर घंटे 1,20,00,000 रुपये कमाते हैं। इसे एक दिन के हिसाब से जोड़े तो करीब 29 करोड़ रुपये होते हैं। मुकेश अंबानी के पास कई कारें हैं। उनके घर एंटीलिया की 6 फ्लोर में कार पार्किंग बनी हुई है। इसमें 150 से ज़्यादा कारें पार्क रहती हैं। इस पार्किंग में मर्सिडीज, बेंटले, रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारों का काफिला भी है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।